हेलो मुंबई, आज सक्सेस मंत्र में हम जिस व्यक्ति को आपसे मिलवाने जा रहे हैं उन्हें फ्लैगमैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया गया है। एक ऐसे इंसान जिनके अंदर अपने देश, अपने झंडे के प्रति प्रेम की भावना कूट कूट कर समाई है। उनका लक्ष्य ये है कि हम अपने झंडे को हर दिन अपने सीने पर लहराएं और हम शान से ये कह सके कि ये तिरंगा हमारा है। उनका नारा एक दिन नहीं हर दिन, जो वो देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। अ पर्सन हु हैज आल्सो रिप्रेजेंटेड इंडिया इन स्पोर्ट्स फील्ड। तो आइए अब मिलते हैं हमारे आज के मेहमान राकेश बख्शी जी से। सक्सेस मंत्र। दिस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेस फिल्म्स, डिजाइन बाय सुधीर अत्तावर। सक्सेस मंत्र। हर कामयाब व्यक्ति कामयाबी तक पहुंचता है उसके पीछे एक मोटिवेशनल फोर्स होता है और ये है राकेश बख्शी जी का मोटिवेटिंग फैक्टर। मोटिवेशन जो है आपके आसपास से आता है। तो पहला मुझे मोटिवेशन मेरे घर से, मेरे फादर से मिला, बाद में मेरे गुरु से मिला, एंड देन माय लाइफ पार्टनर से मिला। मेरे फादर आर्मी में थे, हमने पूरे हिंदुस्तान में मणिपुर से लेके कश्मीर तक सब देखा हुआ है और जगह जगह के लोगों से मिले हुए हैं हम, और जगह जगह के लोगों के बारे में जानते हैं। और बचपन से ही स्पोर्ट्स की प्रवृत्ति रही मेरी और उसी तरफ मेरा झुकाव भी रहा। ये तो एक दिन मैं बॉम्बे में एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए गोल कीपिंग कर रहा था, तो एक्साइज डिपार्टमेंट वॉन फॉर दैट हैंडबॉल टीम और उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू ज्वाइन एक्साइज डिपार्टमेंट। और देन मैं जब मैं इंटरव्यू को गया तो जो कमिश्नर साहब ने बोला कि मैंने मास्टर्स किया है केमिस्ट्री में, तो उन्होंने मुझे पहली बार कहा कुछ अपना करो। बट आई टेल यू वट एवर आई एम थिंकिंग आई एम डूइंग, वो सब मेरी फैमिली मेरे साथ है और इस फैमिली स्तंभ के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। बट लड़ाई तो अकेले ही लड़नी पड़ती है और कारवां साथ साथ आता है। हॉकी के लेजेंड ध्यानचंद जी से मिलना एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ राकेश बख्शी जी को। जानते हैं इस यादगार पलों के बारे में। जब हमें ये मौका मिला कि सेंट्रल स्टेडियम लखनऊ में करीब 150 स्टूडेंट्स सेलेक्शन का आए, वहाँ पर हमारे कोच थे जमन लाल शर्मा, ओलंपियन कैप्टन केडी सिंह बाबू, एंड एक दिन हमारा इस सौभाग्य हुआ कि ध्यानचंद जी वहाँ आए और उन्होंने हमें एक घंटे के लिए गाइड किया, जो कि आज भी हमारे दिलो दिमाग में बैठा है। वो तो जिसे कहते हैं कि हॉकी के भगवान, तो हमने पैर भी छुए, हमने उनके मतलब माथा भी टेका और एक अलग सी एक भावना हमारे उसमें आई और ऐसा लगा कि भगवान मिल गए। राकेश जी की स्पोर्ट्स के प्रति बेहद रुचि होने के बावजूद वो इसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पाए, फिर भी ये जुनून उन्होंने अपने अंदर जगाए रखा। मैं लखनऊ स्पोर्ट्स हॉस्टल में भी सेलेक्ट हुआ, जहाँ पर से सैयद और मिस्टर जसविंदर सिंह, इन सब ने ओलंपिक खेला, मैं भी उसी टीम में था। बट मैं वहाँ से बॉम्बे आ गया और बॉम्बे में यहाँ बलबीर सिंह के साथ और जितने भी हॉकी स्टालवर्ट्स थे खालसा कॉलेज में से निकले थे उनके साथ मैं खेला। और बिजनेस में इसलिए आ गया क्योंकि हमारे टाइम पर स्पोर्ट्स में पैसा नहीं था और स्पोर्ट्स वालों का बहुत हालत ख़राब थी कि नौकरी नहीं मिलती थी और हम डाइट के लिए भी कुछ नहीं होता था। तो मैंने सोचा कि, और उस टाइम पर स्पोर्ट्स को कोई भी प्रोफेशन नहीं बनाता था, यही फ़र्क आज और कल में है। आज ये फैसिलिटीज़ हैं, आज लोगों के पास में एक ज़रिया है और सपोर्ट भी है, सिस्टम्स भी हैं, आज लोग कर रहे हैं, वो हमारे टाइम पे नहीं था। देश के झंडे के प्रति राकेश जी का एक अलग ही जुनून, एक अलग ही प्यार है। क्यों, कब और कैसे हुआ? मैं कहूँगा कि आर्मी बैकग्राउंड, मैं फादर वॉज इन आर्मी और जवान अपनी जान दे देते हैं
सब पुलिस और अदर सिक्योरिटी एजेंसीज अपनी जान दे देती हैं इस फ्लैग के लिए, और हम सिविलियंस सिर्फ एक दिन सैल्यूट करते हैं उनको। और उस फ्लैग के लिए हम सिविलियंस कुछ नहीं कर पाते, तो क्यों ना इस फ्लैग की मर्यादा को हम सिविलियंस भी उसी तौर से देखें जिस हिसाब से हिमालय के ऊपर हमारे सिक्योरिटी वाले हमारे फौजी करते। 99% सिविलियंस अब सोचेंगे कि उन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया इस झंडे को जो ऊपर चढ़ता है। छोटा सा फ्लैग हिलाना और उस झंडे को हाथ लगाने में एक अलग फख्र की बात है। और इस चीज़ को मैंने तब जाना जब मैं टर्की गया, और वहाँ पर मैंने हर गली में, हर जगह में, पहाड़ी में, समुद्र में, सब जगह उनका नेशनल फ्लैग लगा हुआ देखा, तो मेरी भी एक इच्छा जागी कि क्यों ना मैं भी अपने देश में ये करूँ। मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी और पहला फ्लैग मैंने अंबरनाथ में लगाया 100 फुट का, दूसरा मैंने फ्लैग गवर्नर हाउस राजभवन मुंबई में लगाया 150 फुट का, और तीसरा मैं लगाने जा रहा हूँ मेरे कॉलेज में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में लगवा रहे हैं। तो ऐसे हम करते जाएंगे, जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे हम इसको आगे चलाएंगे। किस तरह से इस जुनून को, इस देशभक्ति को लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं राकेश बख्शी जी? अभी मुझे बोला गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया पे चौपाटी में लगाने के लिए, तो जैसे जैसे लोगों को ये मालूम होते जा रहा है, वो हमसे जुड़ते जा रहे हैं और मोटिवेट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही हम इसको और बढ़ाएंगे। अभी एक बड़ी किताब हम बना रहे हैं जो हर फ्लैग के सामने रहेगी, जनरल पब्लिक आके उसको पढ़ेगी कि फ्लैग कोड क्या है, फ्लैग का मकसद क्या है और हमारा उसमें राइट क्या है। ये जानकारियाँ हम देना चाहते हैं। और मैं रोटेरियन ऑफ द मिलेनियम डिस्ट्रिक्ट 3140 में रहा, तो मुझे लगा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशन के लोग साथ आते हैं और उनको भी जानकारी इस चीज़ की नहीं है। तो मुझे एक आइडिया आया जो कि नेशनल फ्लैग के साथ रोटरी इंटरनेशनल का फ्लैग चलेगा, करीब 200 क्लब और इन 200 क्लब में 10,000 लोग रोटेरियंस देखेंगे तो मोटिवेशन होगा। और हम ये लेपल पिन लगाते हैं, लोग इससे जानते हैं। एक वाक्य भी मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने अंबरनाथ में ओथ दिलाई वाई वन डे एवरी डे, तो एक बच्चे के पेरेंट्स का फ़ोन आता है कि ये बच्चा शर्ट उतारने के बाद में भी अपने बनियान पे लगाना चाहता है एवरी डे एंड एवरी मोमेंट। दैट इज़ अवर अचीवमेंट एंड दैट इज़ अवर गोल दैट इट शुड कल्टिवेट इन। हमारे देश के झंडे के साथ और भी कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में राकेश बख्शी जी से। कि नेशनल फ्लैग के साथ कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल इज टाइगर, नेशनल फ्लावर इज लोटस, नेशनल फ्रूट इज मैंगो, और नेशनल एक्वेटिक जो है इज डॉल्फिन, जो कि मोस्टली लोगों को नहीं मालूम था, वो मुझे भी नहीं मालूम था। और ये सब मालूम चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक शुरू से मालूम हो तो एक नॉलेज बढ़ जाती है। और इसके साथ हम और भी बढ़ावा दे रहे हैं जय हिंद को। कभी कभी इंसान जो चाहता है वो होता नहीं, ऐसी स्थिति को राकेश बख्शी जी किस तरह से पॉजिटिवली निभाते हैं? यही एक फर्क है सोच का, क्योंकि मैं अपने फोकस को देखता हूँ कि जो नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कैसे हो सकता है मैं उसकी तरफ ज़्यादा सोचता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ मेरा टारगेट होता है कि मैं लाखों लोगों को नहीं बदल सकता हूँ, मगर कुछ लोगों को तो बदल सकता हूँ, शायद वो कुछ लोग आगे कुछ लोगों को बदलेंगे। तो इसलिए मैं दुख नहीं मनाता हूँ, क्योंकि अगर मैं दुख मना रहा होता तो मैं आज भी वही दुखी होता। कि ये कहना बहुत आसान है कि हिंदुस्तान गोल्ड मेडल नहीं लाता है, कोई मेडल ओलंपिक में नहीं ला सकता है, ये दुख सब मनाते हैं, मगर उसके लिए कोई अपनी कैपेसिटी में क्या कर सकता है। मैं वैसे सोचता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ मैं वो करूँगा, शायद ऐसे और भी लोग मेरे साथ हैं, और एक दिन आएगा कि हम वो अचीव करेंगे जो हमें नहीं मिला। मुझे लगा कि मैं भी ओलंपिक खेलूंगा, मैं भी इंडिया रिप्रेजेंट करूंगा हॉकी में, फुटबॉल में, जो मैं ना कर सका, मगर इसका दुख नहीं मनाया मैंने।
मैंने उसको पॉजिटिव लेके जो लोग कर सकते हैं उनको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा सुख है और मुझे लगता है कि मुझे अचीव होने से दूसरे को अचीव हुआ, ये सुख सबको नहीं मिलेगा। राकेश बख्शी जी का सक्सेस मंत्र, कंसिस्टेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हर एक व्यक्ति के अंदर एक कलाकार जरूर होता है। आइए सुनते हैं राकेश बख्शी जी की आवाज में उनका फेवरेट सॉन्ग। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली है। ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी, कैसे दिल संभले उलझन है हमारी। ये है राकेश बख्शी जी का पॉजिटिव मैसेज। प्यार करने के लिए जिंदगी कम है, पता नहीं लोग नफरत के लिए वक्त कैसे निकालते हैं। वक्त कम है, दम लगा दो। वक्त कम है, दम लगा दो। आप लोगों को मैं बदल रहा हूँ, कुछ लोगों को अब जगा दो। जय सक्सेस मंत्र। दिस प्रोग्राम प्रोड्यूस्ड बाय सक्सेस फिल्म्स, डिजाइन बाय सुधीर अत्तावर। सक्सेस मंत्र।